गुड मॉर्निंग क्लास फोर स्टूडेंट्स, माई नेम इज़ खुशबू जैन एंड टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 9, दैट इज़ कंपेरिजन. सो स्टूडेंट्स, बिफोर एक्सप्लेनिंग यू दिस चैप्टर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ़ यू डोंट हैव सब्सक्राइब्ड माई चैनल, प्लीज़ मेक इट सब्सक्राइब्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर. Now let's start with the explanation of this chapter. Later on we will be completing our book exercise. So let's start. Comparison. Comparison. In addition to describing nouns, some adjectives also compare one noun with another noun or nouns. This comparison is of 3 degrees. So students, comparison are having 3 degrees. First of all, positive degree. Second, comparative degree. And third is superlative degree. Comparison ke kitni degrees hoti hai? 3 degrees hoti hai. Pehli hoti hai positive degree. Second hoti hai comparative degree. Aur third hoti hai superlative degree. The use of different degrees of comparison depends on the number of nouns that we are comparing. जो हमारे जो degrees है उनका जो comparison हम जो use करेंगे उनका वो इसलिए depend करता है कि हम कौन से noun का या कितने नंबरों का हम कंपेयर कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री. तो चलो लेट्स स्टार्ट. वॉट इज़ पॉजिटिव डिग्री? सो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? व्हेन नो कंपैरिजन इज़ डन. जब भी हम कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं, वी यूज़ द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. और उस वक्त हम क्या यूज़ करते हैं? पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, माई डॉग इज़ बिग. मेरा कुत्ता बड़ा है. माई ड्रेस इज़ ब्यूटिफुल. मेरी जो ड्रेस है वो सुंदर है. तो हमने यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं किया है और इसलिए हमने क्या यूज़ किया है? पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया है. पॉजिटिव डिग्री कौन से हुई? बिग और ब्यूटिफुल. तो ये जो है वो पॉजिटिव डिग्री में आते हैं. सो स्टूडेंट्स, सेकेंड हमारा है कंपैरेटिव डिग्री. सो स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी व्हाट इज़ कंपैरेटिव डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? व्हेन वन नाउन इज कंपेयर्ड विथ अनदर ऑफ इट्स काइंड. जब भी एक नाउन किसी दूसरे से कंपेयर किया जाता है उसे हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. स्टूडेंट्स याद रखिए, पॉजिटिव डिग्री में हमने कोई कंपैरिजन नहीं किया था, बट कंपैरेटिव डिग्री में क्या करेंगे? एक नाउन को दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे और उसे ही हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. इन दिस डिग्री ई आर और मोर इज एडेड टू द एडजेक्टिव. और इन डिग्री के साथ में हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? या तो ई आर का यूज़ करेंगे, मतलब कोई भी सेंटेंस है तो उसके साथ में क्या ऐड कर देंगे हम? ई आर. और क्या ऐड कर देंगे? मोर. ओके, तो एंड द वर्ड देन इज़ प्लेस्ड आफ्टर द एडजेक्टिव. और देन का यूज़ हम कहाँ करेंगे? एडजेक्टिव के बाद में यूज़ करेंगे, पहले नहीं, बाद में यूज़ करेंगे. बच्चों याद रखना, जैसे माय डॉग इज़ बीगर देन योर डॉग. मेरा कुत्ता तुम्हारे कुत्ते से बड़ा है. बीगर, बीगर हो गया हमारा एडजेक्टिव और देन हमारा क्या हो गया? देन हमने क्यों यूज़ किया है यहाँ पे? क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का यूज़ करते हैं, ई आर का यूज़ करते हैं और मोर का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया. सेकेंड एग्जाम्पल है माई ड्रेस इज़ मोर ब्यूटिफुल देन योर ड्रेस. या माई ड्रेस इज़ मोर ब्यूटिफुल देन योर. मेरी जो ड्रेस है वो तुम्हारी ड्रेस से बहुत ज़्यादा सुंदर है. मोर ब्यूटिफुल मतलब तुमसे ज़्यादा सुंदर है. ओके, ब्यूटिफुल. और हमने बाद में क्या यूज़ किया? देन का यूज़ किया. ओके, सो दिस इज़ कंपैरेटिव डिग्री. इसे हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, जहाँ पे हम मोर का यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम देन का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम ई आर का यूज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री, व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री? स्टूडेंट्स, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? व्हेन वन नाउन इज कंपेयर्ड विथ मोर देन वन ऑफ इट्स काइंड. जब एक नाउन एक से ज़्यादा
कितने से ज़्यादा, एक से ज़्यादा के साथ कंपेयर किया जाता है उसे हम बोलते हैं सुपरलेटिव नाउन। बच्चों मैंने बताया था जो फर्स्ट हमारा था पॉजिटिव नाउन, पॉजिटिव नाउन में हमने कोई कंपैरिजन किया ही नहीं था। सेकंड हमारा था कंपैरेटिव नाउन, वहाँ पे हमने एक नाउन के साथ में दूसरे को कंपेयर किया था। और सुपरलेटिव ये आ गया थर्ड, और इसमें हमने क्या किया, एक नाउन के साथ एक से ज़्यादा का कंपेयर करना, उसे हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। समझ में आया बच्चों? इन दिस डिग्री est और मोस्ट इज एडेड टू द एडजेक्टिव एंड द वर्ड द इज प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव। सो बच्चों इसमें हम er का यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम करेंगे est का यूज़ करेंगे। और मोर की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, मोस्ट यूज़ करेंगे। मोर हमने कहाँ यूज़ किया था, कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ किया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोस्ट। और एडजेक्टिव से पहले हम क्या लगा देंगे, द, क्या लगा देंगे, द। फॉर एग्जाम्पल माई डॉग इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल, इज़ द बिगेस्ट। बिगेस्ट हमारा हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले हमने क्या लगा दिया, द। योर ड्रेस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो हमने क्या लगा दिया, द, और साथ में मोस्ट भी लगा दिया। समझ में आया बच्चों? नाउ सी स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ओके, फॉर्मेशन मतलब अब हम देखेंगे कि कौन सी पॉजिटिव डिग्री है, कैसे हम उसको कंपैरेटिव डिग्री करते हैं, और फिर कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री कैसे करते हैं। देर आर डिफरेंट रूल्स टू बी फॉलोड द फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पे बहुत सारे रूल्स होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं जब भी हम किसी भी कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री को चेंज करते हैं। For most adjectives with one syllable, we add er to form comparative and est for to form superlative. हमेशा याद रखो बच्चों, comparative में हम er का use करेंगे, हम add क्या कर देंगे, er, और superlative में हम क्या add कर देंगे, est. समझ में आया? For example, अगर positive degree है brave, तो हम comparative में कर देंगे braver, superlative में हम कर देंगे bravest. पॉजिटिव डिग्री में अगर है नॉबल, तो हम कर देंगे कंपैरेटिव में नॉबलर, और सुपरलेटिव में हम क्या कर देंगे, नॉबलेस्ट। अगर पॉजिटिव डिग्री में यंग है, तो हम कंपैरेटिव डिग्री में कर देंगे यंगर, सुपरलेटिव में कर देंगे यंगेस्ट। अगर पॉजिटिव डिग्री में स्वीट है, तो हम कंपैरेटिव डिग्री में कर देंगे स्वीटर, और सुपरलेटिव में हम कर देंगे स्वीटेस्ट। अगर पॉजिटिव डिग्री में सिंपल है, तो हम कंपैरेटिव डिग्री में कर देंगे सिंपलर, और सुपरलेटिव में हम कर देंगे सिंपलेस्ट। अगर पॉजिटिव डिग्री में स्ट्रॉन्ग है, तो हम कंपैरेटिव डिग्री में कर देंगे स्ट्रॉन्गर, और सुपरलेटिव डिग्री में हम कर देंगे स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर पॉजिटिव डिग्री में थिक है, तो हम कंपैरेटिव डिग्री में कर देंगे थीकर, और सुपरलेटिव में हम कर देंगे थिकेस्ट। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टेबल समझ में आई होगी। अगर नहीं आए तो आप अच्छे से आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। नाउ सी स्टूडेंट्स, फॉर एडजेक्टिव्स विद वन सिलेब दैट एंड विद सिंगल कॉन्सोनेंट, वी डबल द कॉन्सोनेंट एंड ई एड ई आर फॉर्म कंपैरेटिव एंड ई एस टी फॉर सुपरलेटिव। जैसा कि मैंने बताया था, हमें क्या करना है, er का ऐड करना है और est का ऐड करना है, और साथ में हमें क्या कर देना है, सिंगल को हमको डबल कर देना है। तो जैसे फैट है fat, तो हमने कंपैरेटिव में हम कर देंगे fatter, हमने क्या कर दिया, t की जगह क्या कर दिया, डबल t, ठीक है। और er तो हमें ऐड करना ही है कंपैरेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव में हम कर देंगे fattest, ओके, फैटेस्ट। red रेड है अगर पॉजिटिव डिग्री में, तो हमने कर दिया redder, रेडर, और रेडेस्ट, ओके। तो ये हमारा हुआ जब हमें किसी एडजेक्टिव को, सिंगल कॉन्सोनेंट को हमें डबल करना होता है, डबल कॉन्सोनेंट करना होता है, तब हम ऐसा यूज़ करते हैं, ओके। नाउ लेट्स कम टू अनदर पेज। सी नाउ लेट्स कम टू अनदर पेज। सो स्टूडेंट्स, अब देखो, फॉर एडजेक्टिव्स विथ टू सिलेब दैट एंड इन वाई,
अगर कोई पॉजिटिव डिग्री वाई से एंड होती है तो हम क्या करेंगे उसके साथ आई ई आर ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे आई ई आर, या सुपरलेटिव में हम कर देंगे आई ई एस टी। जैसे पॉजिटिव डिग्री में अगर हैप्पी है तो हम कर देंगे हैप्पियर हैप्पीएस्ट, अगर पॉजिटिव डिग्री में एंग्री है तो हम कर देंगे एंग्रियर एंग्रीएस्ट, पॉजिटिव डिग्री में अगर बिजी है तो हम कर देंगे बिजियर बिजिएस्ट, पॉजिटिव डिग्री में अगर सिली है तो हम कर देंगे सिलियर सिलीएस्ट। ओके सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जो भी पॉजिटिव डिग्री वाई से एंड होती है हमें उसके साथ क्या कर देना है आई ई आर और आई ई एस टी ऐड कर देना है। नाउ सी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फॉर मोस्ट एडजेक्टिव्स विद टू सिलेबल्स वी एड मोर टू फॉर्म कंपैरेटिव एंड मोस्ट टू फॉर्म सुपरलेटिव। जैसे अगर कोई ऐसी डिग्रीज है जैसे टू सिलेबल्स है तो हम क्या करेंगे, जैसे ब्यूटीफुल है ठीक है तो हम ब्यूटीफुलियर तो नहीं कर सकते ना। ओके समझ में आ रहा है बच्चों, ब्यूटीफुलर भी नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में मोर ब्यूटीफुल, और यहाँ पे सुपरलेटिव में हम कर देंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके अगर अट्रैक्टिव है तो आप देखो अट्रैक्टिव को बोल के देखो अट्रैक्टिवियर ऐसे बोल सकते हो, नहीं दिस इज रॉन्ग, सो यू हैव टू स्पीक मोर अट्रैक्टिव मोस्ट अट्रैक्टिव, डिफिकल्ट मोर डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट, फेमस मोस्ट फेमस एंड मोर फेमस। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये टेबल समझ में आई होगी, नाउ लेट्स कम टू अनदर पेज। Now see students, some adjectives have irregular ways to form comparative and superlative degrees of comparison. They do not follow any pattern. कुछ जो adjectives ऐसे होते हैं वो कोई भी degrees follow नहीं करते हैं, वो अलग होते हैं। जैसे हम positive अगर good बोलें good well तो इसकी comparative degree क्या होगी, gooder goodest ये तो नहीं हो सकती, more gooder more goodest नो ये भी गलत है। तो हम क्या करेंगे, हम गुड को जैसे बोलेंगे बैटर बेस्ट ठीक है ना। नेक्स्ट है बैड, तो हम ये तो नहीं बोल सकते ना मोर बैटर मोस्ट बैडेस्ट, नहीं हम ये नहीं बोल सकते, व्हाट वी विल स्पीक बैड वर्स वर्स्ट। ओके नेक्स्ट है लेट, तो लेट का हम क्या करेंगे लेटर लेटेस्ट ठीक है। लिटिल, लिटिल का हम क्या करेंगे लेस और लीस्ट, लेस और लीस्ट। मच मैनी, मच मैनी का क्या करेंगे मोर और मोस्ट। समझ में आया बच्चों, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर बुक एक्सरसाइज। नाउ सी स्टूडेंट्स, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। ओके यू आर हैविंग यंग, so what will be the answer, comparative degree and superlative degree, younger youngest, positive degree sweet, comparative sweeter sweetest, silly positive degree, comparative degree will be sillier and superlative silliest, positive degree is popular, so what will be the comparative degree, it will be not popularer, it will be more popular and most popular। ओके नाउ पॉजिटिव डिग्री इज डिम, सो कंपैरेटिव डिग्री विल बी डिमर एंड डिमेस्ट। सो स्टूडेंट्स सी हियर, वी हैव यूज्ड ऑफ डबल एम, इन क्वेश्चन यू आर हैविंग डी आई एम बट इन आंसर वी हैव रिटन डी आई डबल एम ई आर। ओके नाउ सी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव डिग्री इज एंग्री, सो कंपैरेटिव डिग्री विल बी एंग्रियर एंग्रीएस्ट, पॉजिटिव डिग्री इज ओल्ड, comparative degree will be older and superlative will be oldest, positive degree is clever, what is comparative degree more clever and superlative most clever, positive degree is weak, comparative degree is more sorry comparative degree is weaker and superlative is weakest, positive degree is thin, comparative degree will be thinner and superlative will be thinnest, positive degree is fat, comparative degree will be fatter and superlative will be fattest, positive degree is good, okay good, it will not change, it will not become gooder or more gooder, no we have to write better and best,
Positive degree is strong. We will write comparative degree stronger. And superlative degree strongest. Positive degree is cold. Comparative degree colder. And superlative will be coldest. Positive degree is late. So comparative degree will be later. And superlative will be latest. Positive degree is intelligent. So comparative degree will be more intelligent. Superlative will be most intelligent. Positive degree is sad. So comparative will be sadder and superlative will be saddest. Positive degree is costly. So comparative degree will be costlier and superlative will be costliest. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी. प्लीज़ लर्न एंड राइट इन योर टेक्स्ट बुक. नाउ लेट्स कम टू अनदर एक्सरसाइज ऑफ आवर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 55. क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन फ्रॉम द ब्रैकेट्स. ओके, आपको यहाँ पे ब्रैकेट से आपको आंसर जो करेक्ट आंसर है वो आपको चूज करना है. अ जिराफ इज डैश देन एन एलिफेंट. इसमें कंपैरिजन किया है वन नाउन से दूसरे नाउन को. देखो आप बच्चों, जिराफ एलिफेंट, तो हम क्या करेंगे, टॉलर. क्या यूज करेंगे, ई आर का यूज करेंगे. अ जिराफ इज टॉलर देन, हम ये नहीं बोलेंगे जिराफ इज टॉलेस्ट देन, है ना. अ जिराफ इज टॉल देन, नो. So next question is the river Ganges is dash than the river Yamuna. What will be the answer? The river Ganges is longest. River Ganges जो है वो river Yamuna से बड़ी है. Longest, longest than. ठीक है. Now let's come to another page, page number 56. Students, question number 3, that is, I find Charles Dickens books dash than Ruskin Bond's book. What? Wonderful, most wonderful, or more wonderful? It will be more wonderful than, okay? Next question is, the Vatican City is dash city in the world. It will be small, smaller or smallest? Array are, it will be students, it will be smallest. You all know, smallest city in the world. That temple is dash building. Kya hogi, larger ya largest ya large? It will be large building. Okay, it is only one building, so we will say large building. Next question is, I think the lotus is more beautiful than the rose. Most beautiful than the rose, yeah, beautiful than the rose. I think the lotus is beautiful than the rose. Okay, the diamond is harder than, hardest than, or hard than any substance in the world. Harder than. The cheetah is fastest animal, fast animal, or faster animal on the earth. It will be fastest animal. This poem is harder than that one. This poem is hard than that one, or this poem is hardest than one. Okay, hard than that one. You should be careful, more careful or most careful when you walk on the road. You should be careful. Okay, so students, I hope आपको ये exercise अच्छे से समझ में आ गई होगी. Fill in the blanks. Now let's come to another question. Fill in the blanks with suitable superlative degrees of adjectives given in the world book. So students, question number 1. Asia is the dash continent. Asia is the biggest continent. Okay. The Nile is the longest, smallest, yeah, biggest river in Africa. The Nile is the longest river in Africa. Number 3 is the blue whale is the largest animal in the world. Okay. 4th is the hummingbird is the smallest bird. So students, आज का हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है. आई होप आपको ग्रामर का चैप्टर कंपैरिजन चैप्टर नंबर 9 अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, कंप्लीट योर वर्क इन टाइम एंड टेक केयर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.